के। नमस्कार दोस्तों आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके होंगे जस्ट बिहार और फर्स्ट हिंदुस्तान अभी हमारे साथ भोजपुरी के बहुत ही फेमस कलाकार जो कि गोपालगंज ज़िला में माझा में, में स्थित है अभी हम इनके स्टूडियो पर आए हुए हैं हम इनसे जानेंगे कि ये गाना गाना कब से स्टार्ट किए और अब इनकी स्टेबल लाइफ अभी कैसी है शुरुआती लाइफ कैसी थी और अभी इनकी लाइफ कैसी है अभी काफ़ी सारे बवाल भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रही है उस पर भी बात करेंगे तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप अपना दर्शकों को एक छोटा सा परिचित करा दें जी बहुत सारा धन्यवाद अभी हम रोआ सबके छोट भाई सिंगर दीपक दीवाना रोआ सब पूरा भोजपुरी सुने वाला समाज के गोर छुके गोर लगा था प्रणाम बा और जस्ट बिहार न्यूज़ के देखे वाला फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज़ के देखे वाला भैया लोग के भी नमस्कार बा प्रणाम बा सर so, हम सबसे पहले चाहेंगे कि जो आपका सबसे वीडियो अच्छा वायरल हुआ काफ़ी सारा वीडियो जो है कि आपका वायरल चल रहा है हम चाहेंगे कि उस गाने को एक बार आप गुनगुनाया उसके बाद आपका जो भी सवाल होगा जी रहे। और सबसे पहले तो जो पहले हमारा गाना चला सैड सॉन्ग के दौर में मतलब दो में एक और काफ़ी ज्यादा वायरल हुआ जी और बहुत सारा गाना है कि वायरल हम चाहेंगे कि दोनों गाना थोड़ा सा एक बार इसका फुल प्रोसेस सुनाइए अच्छा 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 अरे भैल का कसुर हमेतने पूछ त बन गई नि सारा भी हम तहरे चलते रानी. तेनी नहीं सुन तु त या खानी बन गई नि सारा भी हम तहरे चलते रानी. दूसरा का गाना है जी ହଁ ସହ ତୀ ବହଡ଼ି ଦର ଦିଆରେ ନାହିଁ କାମ କରେ ଦାହା ବା ହର ଦିଆରେ ତ ଅପରେସନ୍ କାରା ଦେମାଇ ଦିଲା ବାକେ ଏମେ ନା ହିଖଲ ବାସିଲା ବାକେ अच्छा अभी आपने गाना गाया कि ऑपरेशन करा दे जो भी लड़की का नाम लिए हैं आप जो भी जितने भी कलाकार हैं हम आपके लिए कल नहीं जितने भी बड़े कलाकार हैं चाहे छोटे कलाकार हैं सभी लोग लड़कियों का नाम लेकर यूज कर रहे हैं इस पर काफी सारा विवाद हुआ इस इसपे आप क्या कहना चाहेंगे जी आ, इस इसपे यही कहना चाहेंगे कि हम गाये हैं ठीक है हम भी गलत किए हैं और जो भी करता है गलत गलत, ही करता है। क्योंकि किसी ना किसी बहन बेटी का नाम है और किसी की बेटी की बहन का नाम लेकर गाना गलत है कि नहीं है हाँ तो ये मैटर है कि जो काफी सिलाना मूज है इंडस्ट्री में हाँ। इसीलिए हम लोग उसको मतलब गाए और किसी भी माता मतलब बहनों को मतलब आप लोग का उद्देश्य ये नहीं है किसी बहन बेटी को गलत देखे हाँ। लेकिन ये गलती मानते हैं कि नहीं कि गलती है हैं, मानते हैं गलती जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा भी जुड़े हुए हैं तो आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे बवाल जो कि जिनको लोग सुपरस्टार मानते हैं और वो सुपरस्टार हैं भी वो भोजपुरी इंडस्ट्री के बच्चा हैं लेकिन वो ऐसे ऐसे बवाल ऐसे ऐसे करनामार दिखा रहे हैं जो कि कैमरे के सामने आप सभी के सामने सम्मिलित नहीं किया सकता है हमारे साथ भोजपुरी के काफ़ी अच्छे कलाकार जो कि अभी इनके गाना आप सुने और काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा तो हम चाहेंगे अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो शेयर करें आप ये बताइए अभी एक लड़की आई है सोम्या पोखरेल नाम की हो सकता है सही नाम उसका और वो बोल रही है कि पवन सिंह को हम नहीं जानते क्या आप पवन सिंह को जानते हैं कितने हद तक जानते हैं हम हम पवन सिंह को बहुत अच्छे तरह जानते हैं जी जी. जैसे कि हमारे मतलब उनको आप मेरे दिल से सिंगर मानते हैं अपना मन जैसे गुरु मानते हैं गुरु मानते हैं और खेसारी भी अभी अच्छे हैं मगर काफ़ी है जो मार्केट में हो रहा है शायद सही नहीं हो रहा है ठीक है सही नहीं हो रहा है ये शायद जो सौम्या को बोले तो शायद कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा ये हट करने वाला थोड़ा सा पब्लिक फैंस फैंस को हट कर रही है कर रहे अच्छा ये बताइए कि वो पोल्ट्री अथी विवाद में आने के लिए कर रही है या वो किसी के बढ़ावे में आ रही है ऐसा क्या आपको क्या लगता है क्योंकि वो न्यू पत्रकारों के सामने भी बोल चुकी है और एक बार लाइव आके भी बोल चुकी है कि कौन है पॉन्सिंग आ, उसके वीडियो पे रिल्स भी बनाई है फिर, फिर, फिर पता कि नहीं किसी के मन का इस पर आपकी क्या राय मेरी यही राय है कि काफी नहीं गलत है तो उसको थोड़ा सा मांग देने से क्या हो जाएगा अब अच्छा हो जाएगा फिर अच्छा पवन सिंह को क्या मानते हैं भोजपुर इंडस्ट्री के बच्चा है कि नहीं है नहीं पवन सिंह बहुत अच्छे कलाकार है सारे भी अभी है पवन सिंह भी है पवन सिंह अच्छा चाहेंगे कि पवन सिंह कोई ऐसा गाना जो आपके गुनगुना का गुनगुना है जी हिले जिला टॉप ला कमरिया कमरिया कडेला पालप लिप ला, ला गेलु गे जैसे कि ये पवन सिंह जी का, मतलब फेमस, वो फेमस, गाना फेमस गाना है, है वर्ल्ड फेमस गाना है जी जी अच्छा हम चाहेंगे अभी आ, अपने गाना गाया कि पवन सिंह हमारे फेवरेट हैं लाइफ में अभी आपके कितने स्ट्रगल है शुरुआती में लाइफ कैसी थी अभी लाइफ आपकी कैसी है अभी भी स्ट्रगल जारी है कभी भी जारी रहेगा और शुरुआती में मतलब काफी स्ट्रगल था अभी भी है मतलब थोड़ा था मतलब जैसे मतलब जितना पब्लिक का हमारे फैंस लोग का प्यार मिल रहा है, मिल रहा है अभी आपके नया कौन कौन से गाने वाले हैं या अभी आए हैं अभी नया सॉन्ग आया है काफी सारा सैड सॉन्ग रिलीज हुआ है, भी रिली है जी जी. कि, जैसे राजा गेहूना का ये भी गाना मेरा एक और रिलीज हुआ है कि उठ गयिलाी गईला चाट ये भी रिलीज हुआ है अच्छा क्योंकि हम एक बात आपसे और पूछना चाहेंगे कि आपका जो भी गाना आता है सेट सॉन्ग इतना क्यों आता है इसके पीछे क्या कारण है मेरा जो भी गाना था सेट सॉन्ग यही कारण है कि मतलब जैसे कि हम शुरू से शुरू से ही सेट सॉन्ग का कुछ वजह नहीं मतलब बचपन से ही सेट सॉन्ग का किसे नहीं ना मिला है वो ऐसा <laughs> है वो भी है मतलब जहाँ कहीं ना कहीं वो भी है और बचपन से ही सैड सॉन्ग मतलब सुनता था आप अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे और जो भी आपको नया दर्शक देख रहे हैं उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जी अपने दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि जैसे हम पे प्यार दुलार बरसाए हैं वैसे ही हमारे भैया पर प्यार भैया के चैनल पर प्यार दुलार बरसाइए जस्ट uh, फर्स्ट uh, हिंदुस्तान चैनल पे प्यार पे चैनल पे प्यार प्यार जस्ट बिहार चैनल पेहार और ऐसे ही खुश रहे हरदम और गाना सुनते रहे हमारा प्यार दुलार बरसा है। अभी इनका काफी सारे नए गाने हैं हम चाहेंगे कि बार आप उस गाने को अवश्य सुने और मैं आप सभी को बता दूं कि अभी हम लोग इनके स्टूडियो में मौजूद हैं यहाँ पे, पे देख सकते हैं हमारे बड़े भाई भी वहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे क्या कहेंगे सोमया पखर के बारे में इस बात पहले तो नमस्कार प्रणाम मैं तारकेश्वर तिवारी तेजा जी आप हमको बोलने का मौका दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और रहा बात की सोम्या पोखरेल जी के बारे में तो मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूँ कि उनसे जान के हुआ हो या अनजान में हुआ हो लेकिन गलती तो गलती है क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई काम करे और खेसारी लाल यादव पवन सिंह को नहीं जानते वो बादशाह छोड़िए अब ये सब फालतू की बात हटाइए वो बादशाह है सब है वो बात हटाइए नहीं तो हमको लोग बोला जानते हैं क्या पवन सिंह का चटुकार है कुछ लोग बोल बोलिए <laughs> देंगे गाली दे देंगे महाराज तो वो सब बताइए लेकिन खेसारी भैया हो या पवन भैया हो या अपना मनोज तिवारी चाहे अभी बहुत सारा ऐसा हाँ मतलब रितेश पांडे राकेश मिश्रा दिनेश लाल निरहुआ जी हाँ। अभी ऐसा बहुत लोग हैं अगर आके इसमें बोले कि हम निरहुआ जी को नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं ये गाली देना ही हुआ अगर हम नहीं जानते हैं तो हम अपने अंदर रखेंगे जैसे कि मान लीजिए हमारे दीपक भैया मान लीजिए हमारे दीपक भैया है अगर हम हमारा इनसे झगड़ा है तो हम इनसे नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो अलग बात है लेकिन मीडिया पर जाकर थोड़ा बोलेंगे कि दीपक दीवाना कौन है तो कहीं ना, ना कहीं ये गाली देना ही हुआ तो अब कोई सिखा के कराए या उनसे गलती से हुआ हो लेकिन कहीं ना कहीं ये गलती हुआ है और मैं यही कहूँगा कि उनको ये गलती मान लेना चाहिए और आके सॉरी बोलने से गलती होना बड़ी बात नहीं है गलती को एक्सेप्ट करना बड़ी बात है बस यही आ, जैसे कि अभी हमारे साथ आ, दीपक दीवाना जी थे अभी इनका काफ़ी सारे गाना है, हम चाहेंगे एक बार आवाज से तो सुने अभी आप हमारे साथ देख रहे थे कैमरामैन अरविंद के साथ पंकज की रिपोर्ट जय हिंद